24 जून एंड पीएम कश्मीर में है। कश्मीर में जो पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना है और परिसीमन जो करना है उसके कंटेक्स्ट में। अब यहां क्वेश्चन ये उठता है, यूपीएससी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पूछेगा? और यह डिलिमिटेशन है अभी है तो क्या पहले भी चर्चा में रहा था जिसके कारण यूपीएससी 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन पूछ सकता है। 2020 में भी नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को लेकर डिलिमिटेशन चर्चा में था और लास्ट ईयर डिलिमिटेशन आयोग जो है उसका कार्यकाल जो बढ़ाया गया था, टेन्योर जो बढ़ाया गया था, उस कारण भी यह डिलिमिटेशन चर्चा में था। तो चलिए पढ़ते हैं डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन है तो यह क्वेश्चन यह उठता है कि डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में क्यों? जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का कारण है जो उसका चेंज्ड जो है स्टेटस है। जो पहले डिलिमिटेशन उसके संविधान के अकॉर्डिंग और जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के द्वारा किया जाता था 1957 के द्वारा, अब वह डिलिमिटेशन एक्ट 2002 जो है इंडिया का यूनियन का लॉ उसके द्वारा किया जाना है। जो पास्ट में डिलिमिटेशन हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में वह 1963, 1973 और 1995 में उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और उसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग हुए थे। और उन कानून के अकॉर्डिंग जो है सीट्स के जो आवंटन है जम्मू कश्मीर लद्दाख और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां पर था, जहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को 24 सीट्स, लद्दाख को 4 सीट्स, जम्मू को जो है वह 37 सीट्स और कश्मीर को जो है वह 46 सीट्स का एलोकेशन था। और यह है 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को 90 सीट्स जो है एलोकेट की जाएगी और उसी का डिलिमिटेशन किया जा रहा, अर्थात 7 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये जितना भी मैंने बोला ये सीट्स वगैरह, यह डाटा हमारे लिए यूपीएससी में काम का नहीं है, बिकॉज यूपीएससी नहीं पूछेगा। हमें पढ़ाई करते समय यह भी पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम अपने 2 से 3 अटेम्प्ट इसलिए वेस्ट कर देते हैं, हम 90% गार्बेज वह पढ़ लेते हैं जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि पूछेगा क्या। अब इसमें क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकता है वह डिलिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और इसके कंटेक्स्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो, और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या क्वेश्चन जो है वह पूछ सकता है और वहां पर कैसे यूपीएससी ने ट्रैप डाला है और हमें कैसे उन क्वेश्चंस को करना है। तो पहला क्वेश्चन, डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन जो है इट इज एन एक्ट ऑफ रिड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ एन असेंबली और लोकसभा सीट टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, जो जनसंख्या का परिवर्तन हुआ समय के साथ उस रिप्रेजेंटेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए असेंबली और लोकसभा में जो है सीट जो है उसका डिलिमिटेशन किया जाता है। जब डिलिमिटेशन किया जाता है तो किसी भी स्टेट को आवंटित जो लोकसभा सीट्स हैं या जो उसकी असेंबली सीट्स हैं उनका इंक्रीमेंट किया जा सकता है या जो कंस्टिट्यूएंसी है उनका जो है एरिया वह परिवर्तित किया जा सकता है ताकि वह वन वोट वन वैल्यू को जो है रिफ्लेक्ट करे। अब इसी अकॉर्डिंग जो है इंडिया ने 1962, 1952, 1972 और 2002 में डिलिमिटेशन एक्ट जो है वह उसके अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना 1952, 1963, 1973 और 2002 में की है। अब यह जो डिलिमिटेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वह है आर्टिकल 82 में। अब इस आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन एक्ट जो है बनाया जाता है और इसी एक्ट से डिलिमिटेशन कमीशन की जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो यह जो डिलिमिटेशन कमीशन है वह स्टेट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और आज तक 4 बार यह आयोग जो है वह स्थापित किया गया है। अब यह जो डिलिमिटेशन कमीशन है वह कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली और लोकसभा का जो है डिलिमिटेशन करता है और अपनी रिपोर्ट जो है वह रिस्पेक्टिव असेंबलीज में पेश करता है। वहां असेंबलीज में इस रिपोर्ट को डिस्कस किया जा सकता है परंतु उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता और ना ही इसके जो रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और ये रिपोर्ट जो है जब सौंपी जाती है प्रेसिडेंट को, और ये तब प्रभावी होगी जब प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन जो है उसके प्रोविजंस को
जो है नोटिफाई करे, तो इसमें कुछ प्रोविजंस जो है नोटिफाई हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही साथ वह रिपोर्ट के जो प्रोविजंस हैं वह नोटिफाई हो, वह नोटिफाई हो। अब इस डिलिमिटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिलिमिटेशन का ऑब्जेक्टिव जो है यह होता है टू रिड्रॉ बाउंड्री इन अ वे सो दैट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी द सेम थ्रू आउट द स्टेट। जो असेंबली की सीट्स जो हैं उसमें जो पॉपुलेशन है वह सेम हो थ्रू आउट द स्टेट, इसलिए यह किया जाता है। अब बिकॉज इसे पॉपुलेशन के करेक्टर को रिफ्लेक्ट करना है, तो जो नॉर्थ और साउथ डिवाइड है पॉपुलेशन कंट्रोल में, तो इसमें अगर यह किया जाएगा तो साउथ की जो रिप्रेजेंटेशन है वह कम हो जाएगा और नॉर्थ का बढ़ता ही रहेगा। तो उस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सीट्स जो है उनकी संख्या बढ़ाई न जाए उसको फ्रीज कर दिया गया था, और वही 84 और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा वह जो फ्रीज है 2026 जो है वह किया गया है। 84th में यह भी हुआ था कि जो डिलिमिटेशन करना है, संख्या को नहीं बढ़ाना है, जो डिलिमिटेशन करना है वो 1991 संसद से, परंतु जो 2002 में जो है डिलिमिटेशन हुआ है वह 2001 जनसंख्या से हो, पॉपुलेशन से हो, वह अमेंडमेंट 87th अमेंडमेंट से हुआ है। तो हमें यह 84, 87 और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी यूपीएससी के लिए जानना है। अब प्रश्न उठता है यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहां पर यह क्वेश्चन है और इसका आंसर कमेंट में भी देख सकते हो, दे सकते हो। यहां पर इस क्वेश्चन को देखना है और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं लेना है कि हमें फैक्ट पता है, बल्कि हमें इस क्वेश्चन को देखने का थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना है। बिकॉज यूपीएससी में हमारा प्रीलिम्स इसलिए नहीं रुकेगा, वी डोंट नो, वी नो, बट उस प्रेशर में जिस तरह क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, जिस तरह ट्रैप डाला गया है, तो हम वहां पर मिस्टेक कमिट करेंगे, वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक, उसे हमें अवॉइड करना, और यही इस सीरीज का पर्पज भी है। तो यहां पर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट, ठीक है, अमंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द स्टेट। तो यहां पर जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर दिया जाता है, इस पर सोचना है। अगर ऐसा है तो राजस्थान की सीट्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एमपी की सीट्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए यूपी से, अगर हम इसको सोचें एरिया को। पॉपुलेशन पर तो किया जाता है पर क्या एरिया पर भी, परंतु जब एग्जाम में हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्षेत्रफल को जो है हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यह इस तरह सोचना है, यह गलत है। यह अगर गलत है तो आंसर या तो बी होगा या डी होगा। बी है, 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिफ्टेड द फ्रीज ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इंपोज्ड बाय 42nd अमेंडमेंट। 2026 का फ्रीज तो अभी भी है, लिफ्ट कहां से किया गया एग्जैक्टली नहीं पता है, बट उस तरह थिंक करोगे तो सोचोगे एक गलत है। इसने क्या किया है, जो जनसंख्या जो परिसीमन 1991 एक्ट से किया, 1991 पॉपुलेशन फिगर से किया जाना था, मतलब करना है, और फिर 87 ने उसको कहा कि नहीं 2001 से वह डिलिमिटेशन करना है बट संख्या नहीं बढ़ानी। इसका आंसर है डी, नन। बट यहां यह थोड़ा फैक्चुअल है, बट यह थोड़ा सोचना है, क्योंकि यहां पर इन वर्ड से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। और यूपीएससी का यह है फेवरेट ट्रैप है, जहां फर्स्ट हाफ वो सही देता है, सेकंड हाफ वह गलत करवाता है, ताकि हम उसको पढ़ते हुए जो है मानने लगे कि वह सही है। अब यह क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा यहां पर यह वर्ड सही नहीं, क्योंकि यहां पर कई बार यह है हम मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन है,
सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन आर वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर यह क्वेश्चन हमने नोट नहीं पढ़ा, बस इसको मान लिया करेक्ट पढ़ना है, और यह स्टेटमेंट पढ़ा तो हम इसको इसी को आंसर मानकर आगे बढ़ जाएंगे, परंतु यह गलत है क्योंकि यहां पर नोट पूछा है। सही, वन जनरल इलेक्टोरल फॉर एवरी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में, जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं या क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें लगता है हमें नहीं आता है और हम उस क्वेश्चन को छोड़ के चल जाते हैं, बट जब हमें यह करना है वहां पर नहीं आते हुए ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो लूज होगा, और एग्जैक्टली क्या पता हमें उसी के बारे में पता हो और वहां से आंसर निकल जाए। जैसे यहां यह तुम्हें पता है, यहां पर यह चूंकि तुमने बुक्स में नहीं पढ़ा है तो सोच सकते हो कि नहीं पता, परंतु यहां पर यह ऑप्शन, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू स्क्रूटनाइज द वैलिडिटी ऑफ लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब पार्लियामेंट लॉ बनाती है आर्टिकल 82 से, ये हम मैंने पहले बोला था। यहां पर यह जो है यह सोच सकते हैं यह गलत है, आंसर है इसका डी। अब यह जो ऑप्शन है यूपीएससी का, सेम डिटो ऑप्शन यूपीएससी ने आईएएस के एग्जाम में जब 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा है, तो एक स्टेटमेंट यह है, यह क्वेश्चन नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिल जाएगा, उसका आंसर यहां डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताना उसका आंसर क्या होगा। सेम इसी थिंकिंग पर यूपीएससी ने क्वेश्चन उठाया है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रटना है, हमें उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थिंकिंग को कैच करना है और हमें उस प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पर अपने नॉलेज बेस को थोड़ा वाइड करना है, क्योंकि यहीं से जो है यूपीएससी थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है। इसका क्वेश्चन नीचे जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसका आप लोगों को जो है आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज और आर नॉट करेक्ट, सही नहीं। पहला स्टेटमेंट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल्स इज वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, सही है। अगर यह सही है तो आंसर नहीं हो सकता यह, क्योंकि मुझे पूछा है सही नहीं, तो आंसर मेरा ए या डी होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, यह भी सही होगा क्योंकि मैंने हटा चुका हूं, बट फिर भी यह तुम जान चुके हो कि यह तुम्हारा सही है और यह आंसर नहीं होगा, बट फिर भी तुम्हें यह ऑप्शन पढ़ना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में होगा, हो सकता है जिस स्टेटमेंट पर आप 100% श्योर हो वही आपका गलत हो, परंतु सेकंड पढ़ने के बाद लगे कि नहीं इस पर मैं इतना श्योर नहीं था, इस पर श्योर हूं, उससे तुम अपना जो है ऑप्शन यहां पर चेंज कर दो। थर्ड स्टेटमेंट, द लॉज रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर मेड बाय इलेक्शन कमीशन, लॉ का काम, मान लो ये नहीं भी पता, बेसिक अगर पता है कि लॉ कौन बनाता है, क्योंकि यहां लॉ लिखा है रूल नहीं लिखा है, रूल लिखता तो फिर भी मैं सोचता, पर लॉ लिखा है, लॉ का काम तो वैसे भी पार्लियामेंट का है, यह तो गलत है ही डेफिनेटली, तो यह गलत है। तो थ्री, अब यहां पर थ्री एंड फोर ऑप्शन नहीं है, थ्री आंसर होगा, बट फिर भी फोर पढ़ना है, नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पिटीशन, यह सही है, क्योंकि इस पर इसी स्टेटमेंट से, क्योंकि यह तुम्हारी बुक्स में नहीं है कहीं भी, इसी स्टेटमेंट को यूपीएससी फिर अगेन कहीं और आने वाले समय में जो है तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह जो है 45-55 सीरीज में क्वेश्चन करने की आर्ट जो है वो हम कैसे करें, टॉपिक्स हैं हमारे पास, बट उस टॉपिक से भी हम कैसे पढ़ें वह हमें देखना है, बिकॉज कंटेंट इज ह्यूज, बट हमें कंटेंट को समेटना है, कंटेंट का बिखराव नहीं करना है, एंड यूपीएससी जो कंटेंट है उसे अप्लाई कैसे करना है, फॉर प्रीलिम्स में भी वही है, मेंस में भी वही है, वह हमें सीखना है, एंड क्लिकबैक से भी बचना है। थैंक यू।